बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता और मैं आपके साथ चविश कात्री। देखिए, हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा और खास दिन है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के साथ ही एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और हरियाणा न्यूज लगातार कवरेज करता आ रहा है। शुरू से लेकर अब तक किस तरह की तैयारियां थी, आज क्या प्रोसेस पूरा रहने वाला है वोटिंग को लेकर, आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। और देखिए, इसी की शुरुआत हम कर रहे हैं और सबसे पहले फरीदाबाद का रुख करते हैं, जहां से हरियाणा न्यूज के फरीदाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि कैसी वहां पर तैयारियां नजर आ रही है। राजेंद्र, आपका रुख करेंगे, सबसे पहले बताइए कहां पर आप मौजूद हैं और कैसा माहौल अभी नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि तमाम जो कॉलोनी है वहां पर हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं लगातार वोट करने के लिए अंदर जा रहे हैं और लंबी लाइन भी अंदर लगी हुई है। यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। काफी उत्साह बुजुर्गों में मतदान को लेकर है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितना उत्साह लग रहा है और काफी पुराने समय से वोट भी डालते आ रहे होंगे। नमस्कार। नमस्कार, किस तरीके से देखते हैं इस पर्व को? बहुत उचित उचित, ये बहुत पवित्र है, ये जरूरी है। किन मुद्दों पर वोट करोगे? मैं किन मुद्दों पर वोट करोगे? ये तो मेरी मर्जी का देखूंगा। आप बता दीजिए। और काफी उत्साह सृष्टि लोगों में देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो है वो डालकर भी आ रहे हैं और डालने के लिए भी रहे हैं। तो तमाम लोगों में देख, बिल्कुल राजेंद्र तस्वीरों में देख पा रही हूँ मैं भी, और साथ ही 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो गई है। किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल वहाँ पर देखी जा रही है, कितनी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं? देखिए, भारी संख्या में लोग जो है वोट डालने के लिए उमड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं 24.5 लाख जो मतदाता हैं, आज 24 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे और ईवीएम में जो तमाम वोटे हैं वो आज कैद हो जाएंगे और उसके बाद 4 तारीख को यहाँ पर जो है निर्णय आना है। तो कहीं ना कहीं लोग अपने अपने हिसाब से वोट, लोगों में आप देख सकते हैं कि लगातार को शायद उनके परिजन है, आप देख सकते हैं व्हील चेयर पर लेकर यहाँ पहुंचे हैं चुनाव डालने के, मत डालने के लिए। तो कहीं ना कहीं सभी जो तबके के लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा के लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम लोगों में भारी उत्साह आप देख सकते हैं। अपने बुजुर्गों के साथ बड़े ही सम्मान के साथ यहाँ पर लोग जो है बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं, उनका मतदान भी करा रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी इस बात को लेकर काफी जागरूक है और ज्यादातर बुजुर्गों में तो आप देख सकते हैं उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर। लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं तमाम लोग और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले से ही निर्वाचन अधिकारी हैं फरीदाबाद के विक्रम सिंह, उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह की एक्टिविटीज चलाई थी। 7 लाख लोगों ने एक साथ वोट डालने के लिए शपथ भी ली थी। तो कहीं ना कहीं उसका असर भी अब लोगों पर देखने को मिलता है, लगातार लोग जो है वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छा, देखिए राजेंद्र, तस्वीरें हम जो देख पा रहे हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और थोड़ा अगर आप महिलाओं से खास तौर पर बातचीत करना चाहें तो उनसे बातचीत करके जानिए कि किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज ये मतदान केंद्रों पर पहुंची हैं। और लोगों की देखिए, अभी क्योंकि शुरुआत है, सुबह का समय है, तो लोग दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे ये भीड़ आगे बढ़ेगी, थोड़ा बातचीत भी कीजिए मतदाताओं से राजेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, हम कोशिश करते हैं। तमाम जो महिला मतदाताएं भी पहुंची हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। भाई साहब, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश का विकास, डिफेंस में मजबूती हुई है पहले से, बिल्कुल, और जो देश के लिए भला है वही, उसी के हिसाब से वोट किया जाएगा, उसी हिसाब से वोट किया जाएगा। कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं वोट करने के लिए, इनसे भी हम जानते हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, काफी उत्साह लोगों में मिल रहा है देखने को लिए। तो जानने की कोशिश करते हैं, बहन जी पहुंचे हैं वोट देने के लिए, कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है हमारे। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देश के लिए, देश के लिए वोट करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से देखते हैं? विकास के लिए देखते हैं, विकास के लिए। हाँ जी, आप किस तरीके से देखते हैं? देश का विकास ही सब कुछ जरूरी है।
वोट डालना चाहिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, 5 साल की वो रहती है तो डेफिनेटली वोट तो चाहिए ही चाहिए। आप देख सकते हैं बुजुर्ग वार्ड में कितना उत्साह है और सामने से अपनी उंगलियां भी दिखाते वो आ रहे हैं। इधर इधर देखिए, हाँ देखिए कितने खुशी है मतदान करके, काफी खुश नजर आ रहे हैं। कैसा लगा मतदान? बहुत अच्छा लगा, बहुत कहेंगे और युवाओं को या भाई ये अपना आना चाहिए, बहुत जरूरी, ये तो एक हमारा बहुत बड़ा। किन मुद्दों पर वोट डाला? मुद्दे तो सारे बड़ी है, अब किस पे पर्टिकुलर तो ऐसा मेरे माइंड में कुछ नहीं था, लेकिन मेरे को तो ऐसा वोट डालना सुबह से मुझे। ठीक है राजेंद्र, वैसे धुनती के वोट डालना है, पर आप देख सकते हैं कि जुनून। बिल्कुल राजेंद्र, उत्साह तो है वो नजर आ रहा है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वोटर से वो चीजें बता रही हैं। और कैथल का अब हम रुक करेंगे जहां से मेरे सहयोगी मनोज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे मनोज आप बताइए, कैथल में आप मौजूद हैं, अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो कैसी रौनक वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कैथल जिले की बात करो लगातार तो वोटर अपने वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है और काफी उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। बता दें कि मैं हर कैथल कॉलेज से 155 बूथ पर जहाँ पर 1350 में से लगभग 99 वोटिंग है तो वो हो चुकी है। काफी उत्साह जो है युवा में भी देखने को मिल रहा है, लगातार युवा महिलाएं और जो बुजुर्ग है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना जो मत है वो देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा। अभी कुछ देर पहले ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र के सुशील गुप्ता यहाँ पर पहुंचे थे, उनके द्वारा यहाँ पर हर बूथ पर दौरा किया गया, हर वोटिंग हर मशीनों को चेक भी किया गया और उन्हें भी पता चला कि ताकि जो मशीनें किस प्रकार वो चल रही है, वोटिंग रुकी हुई तो नहीं है और जो मतदाता है उनसे किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। दौरा करके अभी वो निकले हैं, उन्होंने मतदाताओं से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी ज्यादा मतदान हो मतदाता मतदान करें ताकि आने वाले समय में जो युवा है या बुजुर्ग है उनको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी को लेकर पुलिस द्वारा भी लगातार जो है सुरक्षा सत्र यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, लगातार पुलिस लगातार जो बूथों की बात करें या गेट की बात करें, एंट्री की बात करें या नाकों की बात करें, लगातार हर तरफ पुलिस को खड़ी हुई दिखाई दे रही है और जिला प्रशासन के जो बड़े बड़े अधिकारी है वो भी यहाँ पर चेकिंग के लिए यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, और देखिए गर्मी भी बहुत ज्यादा है हरियाणा में और ऐसे में बात की जाए अभी थोड़ा सुबह सुबह का समय है, कोशिश वोटर्स की यही रहती है कि थोड़े ठंडे मौसम में जाकर वोट कर लें, लेकिन अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो उनकी तरफ से कैसी तैयारियां की गई हैं जो लोग थोड़ा 12 बजे के बाद पहुंचेंगे वोट डालने के लिए, गर्मी से वो बच सके, इसको लेकर कैसे इंतजाम आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर एक तरफ जहाँ गर्मी का जो पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगभग कैथल की बात करूँ तो 44 डिग्री का तापमान कैथल पहुंच चुका है, बुजुर्ग और महिला और जो युवा है उनको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार कैंप पर यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दी गई है और जहाँ पर वेटिंग रूम है वहाँ पर पंखे लगा दिए गए ताकि किसी भी महिला या पुरुष को या युवा को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा भी आज भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, वहाँ लगातार ड्यूटियां पुलिस सभी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि ज्यादा लंबी लाइन ना हो और जल्द से जल्द जो मतदाता मतदान के लिए आए उनको जल्द ही मतदान प्रभाग की तरफ भेजा जाए ताकि जो गर्मी का प्रकोप लगातार जारी हो वो बच सके। जी बिल्कुल मनोज, देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जैसे कि आप बता रही हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से भी काफी समाधान यहाँ पे किए गए हैं, सुरक्षा की बात की जाए वो भी किया गया है, लेकिन महिलाओं की अगर बात की जाए सुबह का वक्त है, क्या महिलाएं पहुंच रही हैं मतदान केंद्रों पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल जो पिंक बूथ है वो स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है ताकि महिलाओं की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ज्यादा समय लाइन में ना बिताना पड़े, वो काफी सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है और लगातार जो पिंक बूथ बनाया गया है काफी पिंक गुलाबी रंग का यहाँ पर जो भी मेटेरियल है सब लगाया गया है और अच्छी सजावट की गई है और लगातार महिलाओं को भी जागरूक करने का है कि यहाँ पर अलग से जो काम है वो किया जा रहा है ताकि ज्यादा महिलाएं आए और अपना जो मत का प्रयोग होगा वो ज्यादा से। मनोज एक बार तस्वीरें भी देखना चाहूंगी कि कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, सुबह का समय है और सुबह लोग सोचते हैं कि जैसे कि मेरे सहयोगी ने भी बात की, उन्होंने भी बताया कि जिस तरीके से हरियाणा की गर्मी देखी जा रही है लोग सोच रहे होंगे कि सुबह का वक्त है जल्दी जाए और जल्दी वोट दे, तो एक बार तस्वीरें जरूर दिखाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो आप लाइन में देख रहे हैं कि लगभग आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन जो अपना मत का जो इंतजार करने कर रहे हैं और लगातार जो मत अपना मत का प्रयोग करते हुए मत डालकर यहाँ पे जा भी रहे हैं, लगातार प्रशासन द्वारा यही लगातार कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा
समय जो मतदाता का यहाँ पर ना लगे, क्योंकि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती भी जा रही है और आम आदमी काफी परेशान भी होता जा रहा है। सभी जब जो मत है वो अपना मत का प्रयोग करें और बात की तरफ निकले। मनोज, अगर नए मतदाताओं की बात करें तो कितने ऐसे नए मतदाता है जो आज पहुँच रहे हैं बूथों पर वोट देने के लिए, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल देखिए, बात करें कैथल जिले की, जो आपके पास जो युवा की अगर मैं बात करूं तो 18,922 ऐसे युवा है जो पहली बार लोकसभा चुनाव का जो मत का प्रयोग करेंगे। काफी युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और युवाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जो की युवा की बात करें तो 18,922 जो युवा है आज पहली बार अपने मत का जो प्रयोग करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल चविष्का, और देखिए बड़ी बात ये है मनोज, आप बने रहिए क्योंकि बड़ी बात चविष्का ये भी है कि आपने युवा मतदाताओं का जिक्र किया तो युवा भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। सबसे पहले तो जिनको पहली बार वोट करना होता है उनके अंदर एक अलग ही उत्साह रहता है कि हमें भी मौका मिला है वोट करने का, तो हम जाए मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इसके साथ ही बुजुर्गों में भी बहुत एक्साइटमेंट नजर आती है, बुजुर्ग भी उत्साहित रहते हैं क्योंकि वो इतने सालों से मतदान करते आ रहे हैं और वो कभी भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। मैं अगर देखी फरीदाबाद की जहां पर राजेंद्र दहिया पहुंचे थे, उन्होंने सीधे तौर पर तस्वीरें जो दिखाई है वहां पर व्हील चेयर पर लोग बैठे हैं लेकिन बुजुर्ग भी वहां पर आए हुए हैं वोट देने के लिए। हालांकि बुजुर्गों के लिए खास इंतजाम चविष्का किए गए थे हरियाणा में, अलग अलग राज्यों में भी किए गए थे ताकि घर पर रहकर ही वो जो है अपना मतदान कर सके। कहीं जो चुनाव आयोग ने जो बंदोबस्त किए हैं वो साफ तौर पर भी देखे जा रहे हैं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। सुबह की बात, एक घंटा हो चुका है और उसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता अलग जगह पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कि कौन कौन वहां पर वोट देने पहुंच रहे हैं। नए मतदाता जो है वो भी वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए उत्साह बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, जैसे कि आपने भी सृष्टि बोला कि जो नए मतदाता है उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। बुजुर्ग महिलाएं पहुंच रही है, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ सभी, अगर जेंडर्स की बात की जाए सभी वहां पर पहुंच रहे हैं। चलिए मनोज का ही रुख करते हैं फिर से। मनोज, आप देखिए आपने तैयारियां तो दिखाई हैं, अगर आप वोटर्स से थोड़ा बातचीत कर पाए, उनसे जान पाए कितने उत्साहित वो हैं, गर्मी का भी मौसम है लेकिन बावजूद इसके वो समझ रहे हैं कि वोट डालना कितना ज्यादा जरूरी है। मनोज बिल्कुल देखिए, मेरे साथ वोटर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर पहले तो आपका नाम बता दीजिए। शाम बहुत जी, तो आपने वोट डाली? अभी डाली नहीं है, डालने के विचार में खड़े थे। एक तो ऊपर से गर्मी है, अंदर कोई रेलमैन नहीं है, लाइन लगती जा रही है, तो इसमें भीड़ पड़ क्या है? जब अंदर वोटर नहीं जा गई है, जैसे लाइन लग रही है, वोटर भी दुखी है, सबसे भी दुखी है, तो हमारी तो प्रशासन ये है शांतिपूर्ण चल रहा है चुनाव, लेकिन थोड़ा सा विकास की करें वोटरों की अंदर जाने के लिए। तो जैसे गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो उसको लेकर जो प्रशासन द्वारा कुछ किया गया? यहाँ तो कुछ नहीं दिखता जी, जो मैंने सारी लैंड में हम करे थे वोटर, लेकिन प्रधान जी पंच थे, मैं भाई मैं ना तो कैंडिडेट और ना मैं वो पंखा का सारा काम था, प्रशासन का गर्मी का ही पूरा काम है, बाकी जैसे कर रहे ठीक कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण माहौल है। अब इसके बाद क्या होगा? तो मतदाताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से अपील करेंगे भाई, अपनी वोट किसी को पाओ, पाओ सोच समझ के, जो कैंडिडेट विकास कर सके, कार्य कर सके और सुनाई कर। जी बिल्कुल देखिए, वोटर से भी बातचीत की गई, उनका कहना है कि प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन जो बात कर एक तरफ जहाँ गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, वो जो तापमान है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो उनका वोटरों का ये कहना है कि प्रशासन द्वारा ऐसे कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं, जो मतलब बात करें पंखों की बात करें या फिर वोटरों को। ठीक है मनोज, तो कुछ समस्याएं यहाँ पर इस बूथ पर सामने आ रही हैं, आप बता रहे हैं, ठीक है आप और लोगों से बात करना, लेकिन पिहोवा का चविष्का रुक कर लेते हैं। हाँ, पिहोवा से हमारे साथ गगन लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, पिहोवा की क्या तस्वीरें हैं? एक घंटे का वक्त बीत चुका है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल देखिए, लगातार जो है वोटर्स लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही पहले जो है लाइनें लगना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सुबह के समय में ही जो लोग वोट डालना अपना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है वोटर्स आ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत देखिए चविष्का जो बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, किस चीज को लेकर बातचीत करेंगे कि जो महिलाएं आ रही है, मेरे सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि जो महिलाएं आ रही है हम उनसे जो है बातचीत करके पूछेंगे कि क्या कुछ मुद्दे जो है रहने वाले हैं। आज आप वोट करके आए तो क्या कुछ सोच समझ कर आज आपने वोट डाले? वोट तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले जिनको लेकर आपने वोट किया?
वोटर जो है वो मुद्दों को बताने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो आप मुद्दों को छोड़कर आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि उत्साहित कितने हैं। जिस तरह से ये जिस गली में आप खड़े हैं, काफी ज्यादा संख्या में आते जाते लोग नजर आ रहे हैं और ये वोटर्स ही लग रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे जरा जानिए उत्साहित कितने हैं, सुबह सुबह पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। हाँ बिल्कुल, मैं बातचीत जो है करना चाहूंगा। जी जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप, वोट डाल कर आए, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? वो बड़ा कुछ है जो हो रहा है, ठीक हो रहा है, इसमें क्या किस तरह का यानी कि किस तरह की तैयारियां की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, की किस तरह प्रोग्राम नहीं था, पहला ही पता लग रहा है वोट पड़ रही है, वोट पड़ रही है। जी क्या कुछ कहेंगे, क्या करें, वोट पाया है बस, वोट है, कितना उत्साह, क्या वोट डाल दी बस। अच्छा वोट डाल दी, तो लगातार जो है यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर अपनी वोट डालने के लिए, जब इसका लगातार जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर से देखिए वहां तक जो बाउंड्री जो बनाई गई है उसके वहां, बिल्कुल देखिए और भी तो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी जो है बातचीत जो है करने की जो है कोशिश करेंगे। देखिए वोटर्स, युवा वोटर्स आ रहे हैं, किस तरह क्या कुछ कहेंगे जी माता जी, क्या कुछ कहेंगे आज, क्या किस तरह की तैयारी है, कैसा उत्साह है आज वोट डाल रहे हैं आप? वोट तो भी देखेंगे, आकर जाकर मोल देखेंगे। उत्साह किस तरह का, किस तरह की तैयारी है? बस तारी तो आके ही देखेंगे भाई। बिल्कुल, और भी जो महिला मौजूद है हमारे साथ, क्या क्या कुछ कहेंगे माता जी? सारा कुछ चाहिए मानते जींदे जीना तो जीवनदार होगा। किस तरह का मैम उत्साह है आज आप वोट डालने के लिए आ रहे हैं, बड़ी काफी संख्या में महिलाएं देखने को, बहुत अच्छा लग रहा है, और भाई जो अच्छा अच्छे काम करेंगे उसी को वोट डालेंगे, जो अच्छे काम करेंगे उसी को वोट डालेंगे। और क्या कुछ किस तरह की तैयारी है जो यहाँ पर की गई, क्या मतलब, मतलब कि चुनाव आयोग के द्वारा व्यवस्था किस तरह की गई? अच्छी व्यवस्था, बिल्कुल देखिए चविष्का मैं देखिए दिखाऊंगा कि किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो और भी जो लोग वोट डालने के लिए आए हैं हमसे बातचीत जो है करेंगे। जी सर क्या कुछ कहेंगे आज, किस तरह का उत्साह है वोट को लेकर? वोट है लोग बहुत उत्साह, बहुत भारी उत्साह। क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ लगता है आपकी बार आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा? मेरे को तो अपना मुकाबला लगता है अपना बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी और कांग्रेस में। और भी जो लोग हैं हम उनसे बातचीत, महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, क्या क्या कुछ कहेंगे माता जी? अच्छा आप गगन ये जानने की कोशिश कीजिए, इतनी गर्मी है, वोट डालने के लिए आ रहे हैं, कितना उत्साह पहुंच रहे हैं सुबह सुबह महिलाएं, ऐसा लग रहा है घर का काम छोड़कर पहले वोट डालने के लिए पहुंची है मतदान केंद्रों पर। बिल्कुल सृष्टि, सुबह से ही देखिए लाइनें जो है देखने को मिल रही हैं और काफी उत्साह जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। माता जी गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, वोट डालने के लिए आ रहे हैं, कितना उत्साह? बहुत ज्यादा गर्मी, अंदर तक किस किस वोट के लिए, वोट के लिए किस तरह का उत्साह? जिसने ऐसा है जी, जिसका खाते उसी का खाना, जिसका खाना उसी का खाना जी, वोट डाल गई। और भी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं हम उनसे बातचीत जो है करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज के लिए? आज के लिए क्या विकास के नाम पे, बिल्कुल लगातार जो है सिर्फ जो लोग हैं अपनी सुबह का काम छोड़कर जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और लगातार जो है पोलिंग स्टेशनों पर जो है भीड़ साफ। ठीक है चलिए गगन आप बने रहिए, तैयारियां किस तरह की आगे भी हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे।